हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से सभी का स्वागत है नेकबैंड का एक नया वीडियो पे। सो फाइनली दोस्तों हम लोगों के पास आ गया है QCY के तरफ से ये नया TWS जिसका नाम है QCY HT03। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे इसी TWS का अनबॉक्सिंग और आप लोगों को एक फर्स्ट हैंड्स ऑन रिव्यू देंगे कि किस टाइप का है एकदम पहला यूज पे, और उसके बाद में डिटेल रिव्यू इसके ऊपर जरूर लेके आऊंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों ये जो QCY HT03 है ये QCY की तरफ से मेरे पास आया है एंड मैं बोलना चाहूँगा थैंक यू QCY फॉर सिलेक्टिंग मी। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं इसका अनबॉक्सिंग करूँगा, रिव्यू दूंगा, कैसे ये काम करता है, किस टाइप का साउंड वगैरह है, सारे चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों करेंगे इसका अनबॉक्सिंग। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इसके अनबॉक्सिंग प्रोसेस को। सो चलिए दोस्तों अब करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको बॉक्स के ऊपर यहाँ पे QCY का ब्रांडिंग मिलेगा, यहाँ पे बी क्रिएटिव गो बियॉन्ड लिखा है और साइड पे कुछ ऐसे फीचर्स दिया हुआ है जो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जैसे ये TWS है, उसके साथ साथ यहाँ पे ब्लूटूथ 5.1 का उपयोग किया गया है और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ट्रांसपेरेंट मोड देखने को मिल जाएगा एंड ANC का सपोर्ट भी है। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन आप लोगों को इस प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिल जाता है, तो ऑब्वियसली आपका जो सुनने का एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस होने वाला है। नीचे यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है जो है HT03। साइड पे आपको QCY का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। पीछे आप लोगों को बहुत सारे जो है फीचर्स और उसके साथ साथ ये प्रोडक्ट कहाँ पे बना हुआ है ये सारी डिटेल्स मिल जाएगा। और एक बात दोस्तों, मेरा ये जो प्रोडक्ट है QCY HT03 ये फॉरेन से आया है, तो इंटरनेशनली आजकल हम लोगों का वीडियो देखा जा रहा है और हम लोगों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा थैंक यू आप सभी लोगों को कि आप लोगों के सपोर्ट के वजह से ये चीज़ हो रहा है। और उसके साथ साथ दोस्तों मैं थैंक यू देना चाहूँगा QCY को मेरे को सिलेक्ट करने के लिए और मेरे ऊपर भरोसा रख के प्रोडक्ट को सेंड करने के लिए ताकि मैं इस प्रोडक्ट का प्रॉपर रिव्यू कर पाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को अगर एक सिक्योरिटी कोड के लिए अगर सर्च करना है तो यहाँ पे आप एक QR कोड है इसको भी चेक कर सकते हो। तो चलो दोस्तों ये है नॉर्मल सा बॉक्स का ऊपर का जितने भी डिटेल्स है वो, अब करते हैं इस बॉक्स का अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि क्या है इस बॉक्स के अंदर। और जब भी मैं इस बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ तब तक आप लोग जाके प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और उसके साथ साथ जितना हो सके शेयर भी कर दो ताकि बहुत सारे लोगों के पास इस वीडियो पहुंच जाए और उसके साथ साथ इसका जो प्रोडक्ट डिटेल्स है वो भी लोग जान पाए और उसके बाद उसको खरीद पाए। अब दोस्तों करते हैं इस बॉक्स को ओपन। जब भी मैं बॉक्स को ओपन करता हूं तब उसके अंदर से कुछ ऐसे ही डिटेल जो है प्रोडक्ट निकल कर आता है। और क्या है बॉक्स के अंदर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट जो चीज़ मिल जाता है वो है एक मैनुअल, एक गाइड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जिसको पढ़ के आप आराम से इस चीज़ को समझ सकते हो कि कैसे इस डिवाइस को कनेक्ट वगैरह करना है और कैसे इसका ANC जो है उसको एक्टिवेट वगैरह करना है। सारी डिटेल्स आप लोगों को इस बुकलेट के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब मैं दोस्तों यहाँ पे अगर बात करता हूँ कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स का, तो ये जो डिवाइस है इसके साथ आप लोगों को कुछ ऐसे ही आपके कानों के साथ सेट होने वाला ईयर टिप्स देखने को मिल जाता है जो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है। और ऑब्वियसली मैं बात करूँ इसके फिटिंग वगैरह का तो हर तरीके का जो है आपके कानों के शेप के हिसाब से यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाता है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे बड़े वाला है और एकदम छोटे वाला भी है और मीडियम वाला जो है वो इस डिवाइस के साथ लगा हुआ है। इसको भी मैं अभी साइड पे रख देता हूँ और देख लेते हैं क्या क्या है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे एक टाइप सी केबल देखने को मिल जाता है जो बहुत अच्छा बात है। आपको एक्स्ट्रा केबल कैरी करने का ज़रूरत नहीं होगा, आप आराम से आपका जो स्मार्टफोन है अगर आपके पास टाइप सी स्मार्टफोन का चार्जर है उससे भी आप इसको चार्ज कर सकते हो। तो अभी दोस्तों फिलहाल मैं ये सारे जो चीज़ है उसको साइड पे रख देता हूँ और फाइनली मैं अभी बात करता हूँ इसका जो मेन डिवाइस है उसका। जब भी आप इस बॉक्स को ओपन करते हो आपको कुछ इस तरीके का बॉक्स देखने को
मिल जाता है, जहाँ पे ये जो TWS का मेन ईयरबड्स है वो आपको ऐसे ही बॉक्स के बाहर मिल जाएगा। जिसका मैं अगर सबसे पहले बात करूँ क्वालिटी वगैरह का, तो काफ़ी अच्छा है, ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है और यहाँ पे जो ईयर टिप्स लगा हुआ है इसका भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कौन सा लेफ्ट पे है कौन सा राइट पे है, तो आप उसको उस तरीके से देख के आपके कानों पे सेट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे आपको एक अलग सा रिम देखने को मिल जाएगा थोड़ा सिल्वर कलर का, जो इसके लुक्स को काफ़ी ज़्यादा एनहांस करता है। और यहाँ पे दोस्तों ऐसा जो इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको डुअल माइक देखने को मिल जाता है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे डुअल माइक आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको भी अब मैं साइड पे रखता हूँ और अभी मैं बात करता हूँ इसके चार्जिंग केस का, उसको छोड़ के ज़्यादा कुछ तो नहीं है। यहाँ पे दोस्तों ये जो चार्जिंग केस है ये कुछ इस टाइप का फिनिश के साथ आता है, जहाँ पे ये जो चार्जिंग केस है इसके बॉक्स के ऊपर आपको छोटा सा कुछ स्प्रिंग स्पार्कल देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ साथ ऊपर पे दोस्तों आपको QCY का ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है और पीछे आपको एक बटन मिल जाता है जो SH रीसेट बटन काम करता है, तो आप इस बटन से आपके डिवाइस जो है इसको रीसेट भी कर सकते हो। एकदम ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, जब भी आप इस बटन को प्रेस करते हो यहाँ पे आपको एक ग्रीन लाइट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों मैं अगर इसको ओपन करता हूँ और उसके बाद ये जो डिवाइसेस है जो ईयरबड्स है उसको अगर मैं अंदर रख देता हूँ एक बार, हाँ अंदर मैं अगर रख देता हूँ तो ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है रेड कलर का लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब ये जो दोनों ईयरबड्स है ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। और जब भी आप इसको बंद कर देते हो तो यहाँ पे ग्रीन लाइट जलता है, इसका मतलब है अंदर का जो डिवाइस जो ईयरबड्स है वो ऑलरेडी चार्ज हो रहा है। तो ये दोस्तों था इसका अनबॉक्सिंग और एकदम से फर्स्ट ओवरव्यू। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आप लोगों को अच्छा लगा। अब मैं इसका साउंड वगैरह चेक कर लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि किस टाइप का साउंड है और फाइनली मैं इसका प्राइस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ज़रूर दोस्तों वीडियो को देखते रहिए आगे और इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। सो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया इसके अनबॉक्सिंग और ये जो प्रोडक्ट है इसको मैंने थोड़े देर के लिए कुछ गाना वगैरह सुना है इस पर। और एकदम से मैं अगर बात करूँ इसके एक्सपीरियंस मेरे को काफ़ी सही लगा और इसका जो साउंड क्वालिटी है, इसका जो बेस है, जो वोकल्स है, जो इंस्ट्रूमेंट्स क्लस्टर, सारी चीज़ जो है मेरे को काफ़ी सही लगा, कहीं पे भी थोड़ा सा भी कम नहीं लगा। बट हाँ, अगर आप 100% वॉल्यूम पे जाते हो तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बेटर टू यूज़ इट ऑन 60-70% वॉल्यूम, तब भी ये आराम से चल जाएगा। और एक साथ साथ मैं बात करूँगा, ये जो आपका बुकलेट है ना, यहाँ पे आपको एक कोड मिल जाएगा, एक QR कोड, इसको आप अगर स्कैन कर लोगे तो आपको और अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बेसिकली ये QCY का ऐप है, जहाँ पे जाके अगर आप इस स्मार्ट डिवाइस को, मतलब ये जो TWS है इसको कनेक्ट करते हो, तब आपको और बेटर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ मैं बात करना चाहूँगा जो इस डिवाइस से रिलेटेड है। बेसिकली इसका जो ईयरबड्स वगैरह है, इसका मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं कि आपको कैसे इसको ऑन करना है या कैसे इसको ऑफ करना है, कॉल कैसे रिसीव करना है, कट करना है, तो एक एक करके मैं हर एक का बात कर देता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो डिवाइस है इसको अगर आपको कनेक्ट करना है तो सिंपल आप इस डिवाइस का जो लीड है, मतलब ये जो लीड पोर्शन है, इसको ओपन करके रखो और आपको स्मार्टफोन के साथ इसको कनेक्ट कर लो, ये कनेक्ट हो जाएगा। नहीं तो जो ये TWS के ईयरबड्स है इसका एक टच पैनल है यहाँ पे, इस टच पैनल को अगर आप कनेक्ट करके रखते हो, मतलब प्रेस करके रखो 1.5 सेकंड्स के लिए, तो ये पावर ऑन हो जाता है। ऑफ करने के लिए सिंपल कानों से निकाल के इसको आपका ये जो बॉक्स है इसके अंदर ऐसे ही आप इसको अंदर डाल दो और ये ऑफ हो जाएगा। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में आ सकता है कि कैसे इसका ट्रैक चेंज करना है, तो ट्रैक चेंज करने के लिए यहाँ पे जो बात है कि आपका जो राइट साइड का पैनल है इसको आपको ट्रिपल टैप करना है, और अगर आपको वॉइस असिस्टेंट को ऑन करना है तो आपका जो लेफ्ट साइड का पैनल है इसको ट्रिपल टैप करना है तो हो जाएगा। अगर आपको कॉल कट करना है तो ऑब्वियसली आपके जो राइट पैनल है इसको आप 1.5 सेकंड के लिए, या लेफ्ट पैनल को आप 1.5 सेकंड के लिए टैप करके रखो, कट हो जाएगा। रिसीव करना है तो सिंगल टैप करो किसी पे भी पैनल के ऊपर, तो ये आराम से काम कट जाएगा और आपका जो फ़ोन कॉल है वो रिसीव हो जाएगा। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे अगर प्ले पॉज का बात करूँ, तो आप अगर डबल टैप करोगे राइट या लेफ्ट किसी भी पैनल के ऊपर,
तो ये प्ले और पॉज जो है वो साइमल्टेनियसली होते रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे दोस्तों आपको जो राइट पैनल है उसको 1.5 सेकंड के लिए आप अगर टैप करके रखते हो तो यहाँ पे आपका जो लो बैटरी मोड है वो ऑन हो जाता है, आपका बैटरी कम कंज्यूम होगा। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर आपको ANC पे स्विच करना है तो आपका जो राइट पैनल है उसको आपको 1.5 सेकंड के लिए टैप करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ऐसे ही टैप करते रहना है तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेगा। तो ये है दोस्तों बेसिकली इसका जो फंक्शंस है वो। ऑब्वियसली आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा, आप जब भी इस प्रोडक्ट को खरीदोगे आपको ये बुकलेट मिल जाएगा और बुकलेट के अंदर ये सारे डिटेल्स लिखा है जो मैंने आप लोगों को बताया है, आप एक बार चेक कर लेना, आराम से ये काम करता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एकदम फर्स्ट एक्सपीरियंस पे, अगर फर्स्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में बात करूँ, एकदम फर्स्ट गाना सुनने का जो एक्सपीरियंस है उसका मैं बात करूँ तो मेरे को काफ़ी सही लगा ये प्रोडक्ट। आप लोग आराम से इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा इसका बेस्ट बाय लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर देने का, अगर पॉसिबल है तो जाके वहीं से बाय करना। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, इसका इनडेप्थ रिव्यू में, और अगर कुछ मेरे को कुछ दिन सुनने दीजिए, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम अगर मेरे को फेस हुआ कनेक्टिविटी के साथ या उसके साथ साथ इसके साउंड क्वालिटी के साथ, तो ऑब्वियसली मैं सारे चीज़ को एकदम डीपली शेयर करूंगा उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।